हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एलिस लाइफ एंड लिविंग में आप सभी का वेलकम है। सबों को जय शू जोहार। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली होम टूर कराने वाले हैं। और ये बाहर का व्यू देखिए, थोड़ा सा ऐसे खाली खाली सा है, देखिए। और ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरे आगे तक है और ये दोनों घर को जोड़ता है। एक ही बाउंड्री है, दोनों घर का है। मैं आप लोगों को वो घर बाद में दिखाऊंगी। ये हम लोगों का मेन गेट है, ये देखिए, ये वाला हाँ, पापा कार में चलो। और हम लोग के घर के एक खास सदस्य से मिलाती हूँ, टॉनी। ये देखिए टॉनी, बहुत ही वफादार है, बहुत ही समझदार है। ये हम लोगों का टॉनी है। और चलिए अंदर। मुझे अंदर ले जाना। तो ये गेट हमेशा खुला रहता है, ये बड़ा गेट हमेशा बंद रहता है। जब गाड़ी वाड़ी निकालना रहता है ना, तब उसे खोलते हैं, नहीं तो डेली बेसिस पे हम लोग इससे आना जाना करते हैं। ये छोटा गेट से ये। और यहाँ पर देखिए इतना सारा फूल है, यहाँ गेंदे का फूल है और भी बहुत सारा फूल, मैं तो नाम नहीं जान रही हूँ, आप लोग देख के बताना कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। और ये वाला फूल का ये देखिए, इसका फल इतना सुंदर है, एकदम लग रहा है ना बरबट्टी के जैसे, वो बोदी के जैसे, बहुत ही सुंदर है। और इधर देखिए, ये पूरा छोटा सा फूल वाला गार्डन है। ये महोगनी बोलते हैं, ये आपको लंबा लंबा दिख रहा होगा ना, इससे फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, फर्नीचर बनाया जाता है और बहुत ही कॉस्टली होता है। ये बहुत सारा हम लोगों ने लगाया है, ये देखिए महोगनी आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये वाला होता है जल्दी से और जल्दी से सूखते भी जाता है, तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कुछ कुछ सूख रहा है। बाकी तो गेंदा है, अभी ठंड में गेंदा का बहुत रहता है। आम का पेड़ हमारे यहाँ छोटा छोटा, वो कलमी आम बोलते हैं ना, वो कलमी आम है, छोटा छोटा वाला, लेकिन एकदम बहुत सारा फल देता है, एकदम एकदम झबराया हुआ रहता है, एकदम उसमें जमीन तक लटकता है, बहुत मीठा रहता है। ये है, बहुत सारा है, आगे भी है ऐसे छोटा छोटा वाला। तो गाइज, ये वाला जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये अभी नया ही बना है, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, एक साल दो साल के करीब हो रहा है, डेढ़ साल के करीब। और यहाँ पे और भी पुराना घर है दादू का, तो जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं वहीं पे आई थी, और ये घर पापा के रिटायरमेंट के बाद बना है। तो आज मैं यहाँ पे मम्मी पापा क्या क्या यहाँ पे लगाए हैं अपने बागान में, अपने बारी में, वो मैं आप लोगों को आज दिखला रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पपीता का पेड़ है, साथ में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं भी पहचानती हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये गुआवा अमरूद जो बोलते हैं, इसका भी पेड़ है, काफ़ी अच्छा लगता है, मीठा टेस्टी होता है यहाँ पर का। और यहाँ पे ये देखिए, ये करी लीव है और इसका ना पेड़ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है गाइज़। मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से, मैं ज़रूर ढेर सारा लेकर आती हूँ। और यहाँ पे ये पीछे का एरिया देखिए, यहाँ पे मिर्ची लगी है और भी बहुत कुछ अभी लगाना है जो मम्मी पापा लगाते हैं साथ में। और यहाँ पे मिर्ची है, ये देखिए पक रहा है कुछ कुछ मिर्ची। साथ में ये पूरा बगान वाला ही एरिया है, केला है, बहुत कुछ है। महोगनी आपको चारों ओर यहाँ पे दिखेगा, वो हमारे छोटे अंकल थे, वो उन्होंने लगाया था। साथ में यहाँ पे ये देखिए, ये केला भी है, केला का पेड़ है, दो केला का पेड़ है, छोटा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये वाला जो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है कटई साग। अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कटई साग है। वाला हम लोगों का घर है, ये अभी एक साल पहले ही बना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, एक डेढ़ साल हो रहा है। और ये सामने में भी इतना सारा फ्लावर्स है, ये क्रोटोन है, गेंदे का फूल है, ये नारियल का जो हमने रांची से लाया था ना, यहीं के लिए लाया था, दो था नारियल के पेड़, सामने में ही हम लोग लगाए हैं। ये देखिए इधर और इधर,
दोनों साइड, और ये वाला जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं ठंड का दिन में और गर्मी के दिन में भी, गर्मी लगती है ठंड के दिन में भी, ये वाला एरिया। तो आइए अंदर। और ये लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो ये ऊपर के लिए स्टेयर्स है, ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर्स है ये वाला। और ये देखिए, अच्छा मेरे यहाँ तो होता नहीं है, मगर ये देखिए इतना सुंदर, ये आपका ये एरिका पाम, ये बहुत अच्छे से हुआ है। ये तुलसी है, इधर बहुत सारा फ्लावर्स है, मैं तो नाम नहीं जानूँ। ये तुलसी, ये देखिए बहुत अच्छे से हुआ है, चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। और इधर आइए, इधर से स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, वो मैं आप लोगों को बाद में ले जाऊंगी, पहले आप लोगों को ना अंदर अंदर लेके चलती हूँ, ये मैं बाद में ले जाऊंगी आप लोगों को। इधर आइए, तो वेलकम है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ससुराल वाले घर में। और ये जो घर है इसे मम्मी पापा ने बहुत ही प्यार से बनाया है पापा के रिटायरमेंट के बाद। और यहाँ पे ये आप एंटर करते ही देखोगे तो ये लिविंग रूम है, बड़ा सा है, हॉल है बेसिकली, देखा जाए तो ये हॉल है। इसे पार्टीशन किया हुआ है कर्टन से, और एक साइड पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, एक साइड पे डाइनिंग चेयर टेबल, और यहाँ पे देखोगे पलंग है। और हॉल से अटैच यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसे भी कर्टन से पार्टीशन किया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखोगे तो ये टीवी है, और इस तरीके का है। बाकी यहाँ पे 3-4 रूम हैं तो वो मैं अभी नहीं ये शूट कर पाई तो यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये फिश टैंक है, शोकेस के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे मेडल्स वगैरह या शील्ड वगैरह, ये मेरे हस्बैंड को मिला था। और ये किचन है, ये हम लोगों का बड़ा सा किचन है, मम्मी ने अरेंज किया है। साथ में किचन के अंदर आप जाओगे तो एक और किचन है जहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड सामान सब मिलेगा, वो थोड़ा स्टोर रूम जैसा। और उसके अंदर जाओगे आप, बाहर निकलोगे तो एक और किचन है जो कि आउटडोर किचन है हमारा। इसे हाल फिलहाल ने मम्मी लोग बनवाया था, जैसे कि कोई फंक्शन हो गया तो कुछ ज़्यादा बनाना है तो लकड़ी ये में बने, इसलिए इसे इस तरीके का देखिए अल्विस्टर्स लगाया गया है और थोड़ा सा खुला खुला सा रखा गया है ताकि धुआं वगैरह अच्छे से निकल पाए। और दूर में जो आप लोगों को वो सिंगल दरवाज़ा दिख रहा है वो मुर्गी घर है इस तरीके का है। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं छत, और ये छत से देखिए यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके का लगता है। और छत में भी कुछ कुछ फ्लावर्स मम्मी ने लगाए हैं, मम्मी को फ्लावर गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है बहुत ही, तो उन्होंने बहुत सारा लगाया है। और ये ऊपर से कुछ इस तरीके का लगता है हमारा गांव, बहुत बड़ा सा बाउंड्री है, एरिया है। और ये देखिए तो ये इतना बड़ा छत है हम लोगों का, और फ्यूचर में कभी हो सके तो इसके ऊपर बनाया जाएगा, कभी बनेगा। और ये उसके ऊपर और एक है, वो पानी टैंक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।